तो हम लोग जो है भौतिकी जो हमारा है क्लास 11 का, उसमें हम लोग आज दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि मात्रक और मापन जो अध्याय था जो तुम लोग बनाया होगा, और उसमें जो कि तुमको जो वीडियो बना हुआ था सब लेक्चर देखा भी होगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो प्रश्न हैं तुम्हारा जो कि किसी बुक से या बनाया होगा, तो आज मात्रक बीमा ये सब का जितना भी क्वेश्चन वगैरह है उसमें कहीं भी दिक्कत है तो तुम हमसे जो है राजशूल ऐप के माध्यम से, हमसे राजशूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे बनाने के लिए, और तुमको जहाँ दिक्कत होता है तो उसमें जो है तुमको न्यूमेरिकल बनाने में या किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है तो तुम उसमें जो है उससे हमको संपर्क भी कर सकते हो, और उस पर इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में उसमें नोट्स भी उपलब्ध हैं। तुम उसमें जो है जेई मेंस की तैयारी जो करना चाहते हैं उसके लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चीज़ उपलब्ध हैं, इस प्रकार हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिकी में, जिसका नाम है सदिश और अदिश, अदिश और सदिश या सदिश और अदिश जो भी कर सकते हो, एक नया टॉपिक है। तो इसे देखो, सदिश और अदिश, तो ये इसको जहाँ तक कि तो इसका सदिश और अदिश, तो वेक्टर तुम्हारा स्केलर एंड वेक्टर के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, तो चैप्टर का नाम तुम अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। इसमें टॉपिक है तुम्हारा ये जो है, जाहिर कि एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इसे कोई नया चैप्टर तो नहीं दिया गया है, इस चीज़ को कुछ चैप्टर्स में बांट दिया गया है, तो जिसको कि तुम देखते हो जो अध्याय 4 है तुम्हारा एनसीईआरटी का, उसमें तुमको दिया हुआ है कुछ बहुत सा, तो वहाँ से तुम इसको पढ़ सकते हो अध्याय 4 में। तो अदिश सदिश की तुमको सब जगह ज़रूरत पड़ती है, भौतिकी में बहुत जगह पे इसका ज़रूरत पड़ता है, तो इसको इसलिए हम अलग से पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, और तुम जो है इसको देखना चाहोगे तो कहाँ पढ़ सकते हो इसको, इसको जो है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। बाकी वो बुक, बाकी जो किताब है कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें तुम तो देख सकते हो, उसको शुरू में ही दिया हुआ रहता है, तो इसको अदिश सदिश को देखना चाहते हो तो अध्याय 4 में देखो, किस में तुमको अध्याय 4 में मिल जाएगा एनसीईआरटी की किताब में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले है तुमको जो है अदिश राशि की परिभाषा लिखते हैं, अदिश राशि। तो भौतिक राशियों को दो भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश, पहले हो गया अदिश को कुछ को कहा गया है, कुछ को सदिश, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसी भौतिक राशि जिसका परिभाषा लिख देते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसे केवल परिमाण द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिसे केवल परिमाण द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिसे केवल परिमाण द्वारा निरूपित किया जा सकता है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशि के कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है। तो अदिश राशि हो गया जिसका कि कोई दिशा नहीं होगा, जिसे सिर्फ परिमाण के द्वारा सूचित किया जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, अदिश राशि। तो अदिश राशि को जोड़ने का और घटाने का उसका उदाहरण है, कुछ भौतिक राशि का उदाहरण दे देते हैं, इसका उदाहरण कुछ भौतिक राशियों का नाम लिख देते हैं, जैसे हो गया तुमको दूरी, दूसरा हो गया तुमको चाल,
दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, ताप, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और भी कुछ नाम लिखते हैं जैसे शक्ति, विभव, विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र, मतलब कि विभव हो गया, फ्लक्स, फ्लक्स, इसको इंग्लिश में FLUX फ्लक्स कह सकते हो, फ्लक्स तुम्हारा हो गया, इसके अलावा तुम कह सकते हो इत्यादि कह दो, ऊष्मा वगैरह जैसे ऊर्जा तो का ही रूप है, इत्यादि कर दो, चलो इत्यादि, ये सब क्या हो गया, अधिस राशि हो गया तुम्हें। तो इन सबों का जैसे कि इन सबों को जो जोड़ने में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने घटाने जो सिंपल बीज गणित का नियम होता है उसका मदद से लिख सकते हैं। जैसे कि 5 मीटर दूरी जोड़ 3 मीटर, तो 5 × 3 = 8 मीटर दूरी, जो सिंपल जोड़ है उस ढंग से जोड़ दो। ताप है, ताप है एक ठो है 100 डिग्री सेल्सियस, एक है 25 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का अंतर निकालना। तो सिंपल जो बीज गणित का घटा होता है 100 डिग्री घटा 25 डिग्री = 75 डिग्री, तो जो अधिस राशि है उसको जोड़ने का क्या होगा, बिल्कुल साधारण सा जो बीज गणित का नियम है वो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं है। तो समझ गया होगा, अधिस राशि को जोड़ने के लिए किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कि सामान्य बीज गणित के नियम है उसी के आधार पर इसको क्या कह सकते हैं, इसको जोड़े जा सकते हैं। तो अधिस राशि का मैंने बता दिया, अधिस राशि का परिभाषा क्या होगा कि जिसका केवल परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उस राशि को, उस भौतिक राशि को, भौतिक राशि को दो भाग बांटा हमने, अधिस राशि और सदिश राशि, जिसमें कोई परिमाण सिर्फ होता है उसकी दिशा नहीं होती, अधिस राशि कहलाया। अधिस राशि का क्या होगा तुमको, इसका यह सामान्य क्या करते हैं बीज गणित के नियम का के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ सकते हैं। और इसका जो है तुमको क्या हो गया, मान इसमें दूरी है, चाल है, इत्यादि, ये सब जो क्या कहते हैं भौतिक राशि जो लिखा हुआ है, ये सब तुम्हारे किसके उदाहरण हो गए, तो इसका नाम लिख सकते हो, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तो इसको नोट कर लो, इसका परिभाषा लिखो। और तुमको अब जो है हम लोग सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जोड़, तो अधिस राशि को क्या बहुत बताया कि जोड़ने घटाने में किसका नियम का पालन करते हैं हम लोग, सिंपल जो बीज गणित का नियम है उसका पालन करेंगे, उसके लिए कोई स्पेशल नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको बताया भी नहीं जा रहा है। घटा हो चाहे गुना हो, जैसे मैंने कहा कि ताप का अंतर करना है, समय का जोड़ करना है, 2 घंटा जोड़ 3 घंटा = 5 घंटा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, समय का जोड़ कर दिया तुमने, समय अंतराल निकालना था, घटा दीजिए, तो घटाना जोड़ना उसका क्या होगा, सिंपल सा नियम का पालन करेगा। तो चलो, तो ये तो तुम्हारा हो गया। अब जो है जिस भौतिक राशि का हम लोग चर्चा अभी करेंगे आज, जिसके जिसमें ये चीज अध्याय चलेगा तुम्हारा, जो कि है तुम्हारा दूसरा भौतिक राशि जिसका नाम है सदिश। सदिश का इंग्लिश जानता होगा क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर VECTOR, और वेक्टर क्वाइन TT, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, इसमें परिमाण के साथ 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 निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है, कैसा राशि कहलाएगा ये, सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है।
तो जिसमें क्या हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, वैसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसमें भी उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और भी जानकारी जोड़ने घटाना इसका सबका अलग से नियम है, तो इसके बारे में सबका पढ़ना होगा हमको। तो कुछ पहले उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे विस्थापन है, विस्थापन, वेग, इन सब में दिशा की जरूरत पड़ेगी, वेग, त्वरण, बल, बल हो गया तुमको, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और क्या हो गया तुमको, इत्यादि कर दो, ये सब क्या होगा तुमको, और भी है जैसे कि बलाघोर, ये सब भी होता है इत्यादि। तो ये सब किसके हो गए, सदिश भौतिक राशि कुछ उदाहरण हो गए। तो सदिश राशि को जोड़ने का, इसका जो है दिशा को निरूपित कैसे करेंगे, तो सदिश राशि को निरूपित कैसे करते हैं, सदिश को निरूपित करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक सदिश को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का मदद लेते हैं। तो सदिश का निरूपण, सदिश को, सदिश को रेखाखंड एवं तीर के द्वारा, तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो तीर के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो तीर की लंबाई किसको बताएगी, तीर की जो लंबाई होगी वो किसको सूचित करता है, उसके रेखा का, तीर का जो, तीर की जो दिशा है वह किसको बताएगा, वह सदिश की दिशा को, और तीर की दिशा सदिश की दिशा को बताती है, और तीर की लंबा और रेखाखंड की लंबाई उसके परिमाण को बताती है। रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण, सदिश के परिमाण तथा तथा तीर सदिश की दिशा को बताती है, सदिश की तथा तीर सदिश की दिशा को बताती है, तो तीर सदिश की दिशा को बताती है। तो जैसे कि ये तुम्हारा होगा, जैसे देखो ये रेखाखंड की लंबाई जैसे कि है तुमको समानुपाती, जैसे कि अगर ये पांच मात्रक है, अगर ये पांच मात्रक को बता रहा है तो इसका दूना लंबाई कर दें तो कितना को बताएगा, दस मात्रक को बताने लगेगा। और ये तीर इधर से दिशा इसको बता रहा है, इधर से इधर की ओर है, अगर इसे इधर यही चीज कर दें इधर दिशा कर दो, ये तीर का दिशा इधर लगाएंगे दिशा को। तो इसमें क्या करते हैं, रेखाखंड की लंबाई जिधर से शुरू हुआ तुम्हारा, ये जहाँ से शुरू होता है ये कहलाता है तुमको, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ ये कहलाएगा तुमको, जैसे ये तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखो ये तुम्हारा लंबाई है यहाँ तक, तो ये जो तुम्हारा हो गया इसको हम लोग कहते हैं गर्त, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टेल, टी ए आई एल, टेल हो गया। और जहाँ तक लास्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं सिरस, इसको कहते हैं हेड, एच ई ए डी, हेड हो गया। तो एक तरफ टेल हो गया, एक तरफ हेड हो गया, एक तरफ टेल एक तरफ हेड हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया तुम्हें, ये कर सकते हैं। दूसरा है तुमको हेड टेल हो गया, तो सदिश राशि और अदिश राशि तुमने को, इस अदिश राशि का, सदिश राशि क्या परिभाषा हो गया, जिसका सिर्फ दिशा होगा, जिसका, जिसको दिशा भी होगा और उसको परिमाण भी होगा, वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाता है। सदिश के लिए क्या हो गया तुम्हारा, सदिश का जो परिमाण को दिखाने के लिए क्या चीज़ का हम लोग मदद लेते हैं, उसका रेखाखंड का लंबाई, रेखाखंड का लंबाई किसके समानुपाती होगी, दैट इज सदिश के परिमाण के समानुपाती होगी, और तीर की दिशा उसकी दिशा को बताती है। तीर जो है तुमको जिधर के ओर इशारा करेगा उसका दिशा बता देगा। तो इस प्रकार से हम लोग सदिश राशि को निरूपित कर सकते हैं। चलो इसका परिभाषा लिख लो कि जिसके जिसके जिसको क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और उसके उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। लेकिन सदिश को जोड़ने के लिए भी, सदिश राशि को जोड़ने के लिए भी अलग से नियम होता है, जोड़ घटाओ इन सबका नियम है, जो धीरे धीरे आगे बताएंगे, विशेष प्रकार के नियम का यह पालन करती है।
तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सदिश का निरूपण। तुमने पढ़ा कि सदिश को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक रेखा खंड का लेते हैं या उसके ऊपर में तीर लगा देते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक सदिश का एक प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश। हम लोग क्या पढ़ेंगे जिसको मात्रक या इकाई सदिश, मात्रक या इकाई सदिश इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है इकाई सदिश कहलाता है। तो जिसका परिमाण एक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकाई सदिश। तो जैसे देखो तुम्हारा परिमाण जो होता है किसी सदिश का जो है ये लिखते हैं हम लोग, जैसे ए सदिश का परिमाण इसको घेर देंगे और सिंपली ए बराबर सदिश ए मतलब एक सदिश ए इसको पढ़ते हैं, जैसे कि इसको पढ़ेंगे सदिश ए, जैसे इसको इस ढंग से लिख देंगे एक ऊपर में तीर का निशान होते हैं, तो ए सदिश ए इसको या वेक्टर ए इसको पढ़ेंगे का परिमाण, इसको मॉडुलस ए पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसको पढ़ेंगे, सदिश ए का परिमाण एक ऊपर में तीर दे दिए तो मतलब सदिश ए इसको पढ़ेंगे। ठीक से पढ़ने सीख गया, इसको पढ़ने के लिए क्या सीख लेगा, और इसको क्या कहते हैं मॉडुलस ए वेक्टर मतलब सदिश ए का परिमाण हो गया ये, और सिंपली कभी कभी शॉर्टकट में ए भी लिख देते हैं। अगर ए सदिश राशि है और सिंपली ए लिख दिए तो क्या हो गया तुम्हारा, ये सदिश का परिमाण हो गया। तो किसी भी सदिश के अनुदिश इकाई सदिश लिखना है, उसका परिमाण एक करना है, तो उसके लिए ए के अनुदिश, ए सदिश के अनुदिश, सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश। तो इसको देखो क्या लिखते हैं, इकाई सदिश के लिए एक स्पेशल संकेत यूज करते हैं, ए के ऊपर में इसको ए कैप कहते हैं, ए कैप बराबर हो गया तुमको ए सदिश बटे मॉडुलस ऑफ ए, ऐसा ए सदिश बटे मॉडुलस ए। तो इसमें क्या होगा, इसका जितना परिमाण है अब बटे परिमाण से भाग देते, एक परिमाण बचा और इसका दिशा किधर हो गया, सदिश ए की दिशा में, इसका सिर्फ इसमें दिशा बचा जिसका दिशा किधर हो गया, ए की दिशा में, तो इसका दिशा हो गया इकाई सदिश, इसलिए कहते हैं कि ए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश। तो फिर से इस बात को देखो, इकाई सदिश का हो गया जिसका परिमाण एक होता है, तो उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस जो कि जो लिख दिए इसमें इसको क्या, परिमाण को भी व्यक्त करता है और ये सिर्फ क्या हो गया, ये दिशा को बताएगा। तो इकाई सदिश क्या बताएगा, किसी सदिश के अनुसार दिशा को बताने के लिए होता है, जिसका परिमाण एक होता है सिर्फ दिशा बताएगा और परिमाण इसका मॉडुलस ये बताता है, तो इसका मतलब इसको अलग अलग हो गया। तो कोई भी सदिश है तो इसका मतलब इसका परिमाण ये हो गया और ये क्या हुआ, इसका दिशा हो गया, ऐसा कह सकते हो, गुणा कर दिया तो इसको दोनों अनुपात में बांट दिया, इसको ए सदिश में दोनों था, एक दिशा एक परिमाण, तो परिमाण को ये बता दिया, दिशा को ये बता दिया, तो इस ढंग से क्या हो जाएगा, सदिश को निरूपित कर सकते हो। और मात्रक या इकाई सदिश जैसे कि तुमको तीन अक्ष होते हैं जो कि एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ का बताने के लिए तीन अक्ष का हम लोग मदद लेते हैं, किसी भी चीज़ की स्थिति को बताने के लिए हम लोग जैसे कि अक्ष, तो जैसे कि एक्स वाई अक्ष पढ़ा होगा अभी तक दसवां तक, तुम एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की मदद से किसी दो बीमा का चीज, जैसे कि कुछ बातें जो कि दो बीमा क्या होता है, दो बीमा का मतलब जैसे एक बोर्ड है, ये बोर्ड है तुम्हारे सामने, तो खैर इसको तुम लिख लोगे, इसको अब हम लोग आगे थोड़ा सा बताते हैं, मात्रक सदिश का प्रकार कुछ बता रहे हैं, मात्रक सदिश समझ में आ गया होगा, तो इसको परिभाषा लिख लो, जिसका परिमाण एक होता है। तो हम लोग अब अक्ष तीन लंबवत अक्ष के बारे में पढ़ते हैं, तीन लंबवत अक्ष के बारे में पढ़ते हैं, इसको या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो तो कुछ शायद हो सकता है बहुत लोगों को इस सब के बारे में नहीं सोचा होगा, सोचा भी होगा, देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग को ये देखो, एक बीमा मतलब क्या होता है, दो बीमा और तीन बीमा, इस तरह की कुछ बातें होती है, वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे एक रेखा है तो ये एक बीमा में, एक लाइन में चलते जाए तो इट इज एक बीमा का चीज हुआ। अब इस बोर्ड पर कहीं जाना है तो हम लोग जैसे पढ़ते होंगे, इधर एक्स अक्ष ले लेते हैं और इधर
वाई एक्स लेते हैं, दोनों आपस में क्या हो गया, लंबवत हो गया, तो ये लंबवत हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये 90 डिग्री कोण बनाया। और इस ढंग से क्या होता है तुम्हारा, इस बोर्ड पर कोई भी बिंदु दिखाना है, जैसे यहां पर एक बिंदु है, तो इसका नियामक बोलते इसका एक्स एक्स में 5 दूरी जाइए, वाई एक्स में 3 जाइए, या तुमको ऋणात्मक धनात्मक सब पढ़ते हो गए, प्रथम इधर हो गया तुम्हारा, कहते हैं इधर प्लस प्लस, इधर प्लस माइनस प्लस, सो हम तुम जानते हो माइनस माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से क्या कर दिया तुमने, सबको दिशा को बता ही दिया। तो ये दो अक्ष या दो बीमा की मदद से हो गया। तो इस बोर्ड पर किसी भी बिंदु को हम लोग दो बीमा की मदद से क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, जिसको मैं कि एक्स दिशा में जितना दूर जाएंगे वो एक्स नियामक, जितना वाई में गए तो वाई नियामक, जैसा कि तुम पढ़ते भी आया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम पढ़ा भी होगा, कोऑर्डिनेट करके तुम्हारा जो चैप्टर भी दिया हुआ था दसवां में भी है एक चैप्टर, एक अध्याय दिया हुआ है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट का, तुम्हारा कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके दिया हुआ तुम्हारा, तो उसको पढ़ा भी होगा, तुमने बनाया भी होगा, तो ये समझ में भी आ रहा होगा। एक्स वाई नियामक, नियामक जिसको नियामक ज्यामिति भी बोलते हो, तो इसको एक्स वाई नियामक यहाँ लिख देता है ऐसे करके, तो ये तुम्हारा दूरी हो गया, जैसे एक्स अक्ष का पहले और फिर किसका ही वाई एक्स के निर्देश हो गया। तो अब कहोगे जब दो से सब चीज दूरी निकल ही जाता तो फिर तीसरे की क्या जरूरत है, तो दो ही अक्ष से हो जाता। लेकिन दो से सब दूरी सब चीज नहीं मापा जा सकता। जैसे यहीं पर देखो, इस बोर्ड पे तुमने अभी हर बिंदु को तुमने कहा कि इस बोर्ड पे हमने दिखा दिया, लेकिन अपनी कल्पना को बढ़ाइए तो देखिए यहां पर एक जो है तुमको पेन, यहां जो मेरा है पेन का नोक जहां है, ये पेन का जहां पर नोक है, तो पेन का नोक इसको बताना है अगर, तो पेन का ये जो पिछला भाग है इसको तो तुम एक्स इधर वाई में बता दोगे, लेकिन पेन का नोक यहां तक जाने के लिए फिर इधर जाना पड़ेगा, एक और लंबवत दिशा की जरूरत है। यहां देखो ठीक समझो, इधर एक्स इधर वाई और पेन का नोक तक पहुंचे, यहां पर पहुंचना चाहते हैं हम, तो पेन का नोक तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत है, एक इधर एक्स इधर वाई तब इधर जेड की ओर चलना भी पड़ेगा, नहीं तो आप यहां नहीं पहुंच सकते। पेन तक पहुंचने के लिए एक्स वाई और क्या होगा जेड के पहुंचना होगा। तो इस प्रकार से इसको जो संबोधित, इसको जो बताना है, तो किसकी जरूरत पड़ी, तीन बीमा की जरूरत पड़ गई। जैसे हम जिस जगह पर अभी जिस सतह पर अभी खड़े हैं, तो इधर तुमको जाना है, इधर इसमें भी यहां पर जो सतह है तुम्हारा, इसमें तो इस कोना को अगर ले लेंगे, इधर के कोना को इधर ले लेंगे, तो क्या हो गया, इधर मूल बिंदु ले लेंगे, इधर एक्स एक्स इधर वाई एक्स, तो इस जो जमीन पर का है जो जिस पर हम खड़े हैं, सभी को हम क्या करते हैं सूचित कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब यहां पर आ गया पेन, तो अगर यहां पर मूल बिंदु हमने रखा, इस कोना पर हमने मूल बिंदु, तो इधर एक्स अक्ष में 5 मीटर आए, फिर इधर बढ़ेंगे इस दिशा में जो लंबवत, इधर इधर पहले इस साइड आए, ऐसे आए तो इधर 5 मीटर, इधर फिर बढ़े दैट इज 3 मीटर, और फिर यहां पर जो है अब जमीन पर यहां पर जब आ गए तो हम ऊपर खड़ा होंगे कितना मीटर, 7 मीटर, तो इसका नियामक हो जाएगा 5.3.7, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस अगर तीन बीमा में जो किसी चीज को निरूपित करना तो तीन अक्ष लंबत अक्ष की जरूरत पड़ेगी। जैसे तुम फुटबॉल खेल रहे हो कभी फील्ड में, तो फुटबॉल अगर हम लोग जब तक फील्ड में खेल रहे हैं, तो फुटबॉल जब तक फील्ड में है मतलब कि जमीन पर है, तब तक तो हम दो बीमा से भी काम चला सकते हैं, अगर ऊपर ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन फुटबॉल जब हवा में चला जाएगा, जिसे हेडर लेते हो, तो वह हवा में भी इधर उधर जाएगा, तो वह फिर तीन बीमा के द्वारा ही उस फुटबॉल की स्थिति बता सकते हैं। लेकिन जो जमीन पर अगर फील्ड में एक पेड़ गड़ा हुआ है, तो पेड़ का जड़ जो होगा उसको बताने के लिए क्या होगा, दो बीमा से चल जाएगा काम। तो इस प्रकार से तुम समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को निरूपित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ सकती है, वो तीन बीमा की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें तीन जो अक्ष होते हैं, तो दो अक्ष तुम पढ़ते ही आए हो, तो यहां पर तीन लंबवत अक्ष हम लोग जाने, तो तीन लंबवत अक्ष का बात हो गया यहां पर। तो तीन लंबवत अक्ष कौन कौन होगा देखते हैं अब। तो तीनों लंबवत अक्ष तो अभी तुमने देखा होगा कि एक इधर है, एक पेन, जैसे मैं पेन से ही दिखा दूं, तीन लंबवत अक्ष तुम्हें दिख जाएगा, एक एक्स अक्ष, एक तुम्हारा क्या हो गया इधर वाई अक्ष हो गया। अब जाहिर है कि इस बोर्ड पर तो तुम तो जेड एक्स जो तुम्हारा है, जेड एक्स किधर है तुम्हारा, जेड एक्स तो इस दिशा में है, ऐसे है तुम्हारा, देखो ये पेन हो गया, तुमको तीनों पेन दिख रहा होगा तुमको फ्रेम में, तो ये तीनों आपस में क्या है लंबत हैं। तो अब जाहिर है कि कोई भी इस बोर्ड पर चित्र इन तीनों का बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा, कभी कॉपी में या तुम बोर्ड पर, तो इधर एक्स अक्ष खींच सकते हो, इधर वाई खींचोगे, जेड तो ऊपर जा रहा था, इधर पेन कैसे खिंचाएगा, तो इसको नहीं खींच सकते। तो इसको दर्शाने के लिए एक तिरछा करके ऐसे दर्शाते हैं, देखो चित्र में तीनों लंबत होते हैं, ये बात भी समझ गया होगा, तीनों कोण 90 डिग्री बना हुआ था। तो देखो इसको कैसे दिखाते, एक्स अक्ष,
इधर वाई एक्स ये सब तो पहले से भी बनाते आए हो, लेकिन जेड एक्स जो कि लंबवत होता है तीनों, तो इसको इधर की ओर खींचते हैं। तो ये तीनों जो है इस दिशा में दिखाते हैं, चूंकि हम ऊपर लाइन नहीं खींचते, इसको इस ढंग से दिखाने का एक तरीका हो गया। तो ये जो तीनों अक्ष हैं, तीनों अक्ष आपस में लंबवत हैं। ये तीनों अक्ष एक्स वाई जेड तीनों क्या है, आपस में लंबवत अक्ष, तीन लंबवत अक्ष एक्स वाई जेड। तो तीन अक्ष जो होंगे, तीन लंबवत अक्ष हो गए, तीन लंबवत अक्ष। तो दो अक्ष तो पढ़ा ही था, अभी तीसरा अक्ष के बारे में कुछ समझाए क्यों जरूरत पड़ती है। तो दो दो अक्ष से तुम क्या हो गया, जैसे एक दो बीमा में जिसको एक तल भी कहते हैं, जैसे एक बोर्ड होता है इसको एक तल कहते हैं, एक तल में कोई बिंदु को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, दो अक्ष से हो जाएगा एक समतल में। लेकिन एक तल या समतल में दो अक्ष से हो जाता है, और एक रेखा में तो एक अक्ष से हो जाएगा, एक रेखा में है तो एक अक्ष से हो जाएगा उसका निरूपण। लेकिन अगर तुमको यह जो है तुम हवा में भी चला जाता है तो उसको होता है तीन बीमा में चला गया, तो वो तीन अक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो समझ में आ गया होगा एक्स वाई जेड। तो एक्स अक्ष की ओर जो इकाई सदिश है इसको हम लोग एक्स अक्ष की ओर इकाई सदिश को आई कहते हैं, इधर को जे कहते हैं, इधर इकाई सदिश। तो इसको भी लिख देते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश को लिखेंगे इकाई सदिश बराबर क्या हो गया आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश हो गया, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश बराबर क्या हो गया ये जे कैप। जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश बराबर के कैप। तो आई हो गया, जे हो गया और के हो गया। एक्स अक्ष के अनुसार इकाई सदिश हो गया आई केप, जे जे वाई एक्स के अनुसार जे हो गया, इसको के कहेंगे। तो आई जे के, तो क्या हो गया तुम्हारा, इधर हो गया तुमको आई कैप, आई कहते हैं कैप देख अभी नाम देखा था, इधर जे इसका नाम हो गया, इधर हो गया के कैप हो गया, ये तुमको तीनों हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया मूल बिंदु, तो इसको तीन अक्ष, तीन लंबवत अक्ष हो गया, तीनों आपस में क्या हो गया आई जे के। तो ये तुम्हारा परिमाण जैसे आई एक्स की तरफ पांच जाएगा तो पांच आई कहिए, एक्स अक्ष की दिशा में पांच गए तो पांच आई, वाई एक्स की दिशा में तीन गए तो तीन आई, और इसके विपरीत गए तो माइनस तीन जे, इसको तीन जे कहेंगे। वाई एक्स की दिशा में तीन गए तो थ्री जे, इसके विपरीत गए तो माइनस थ्री जे, इधर चले गए तो पांच के, या पांच मीटर गए तो पांच के। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं। तो एक्स अक्ष इसमें जो है तुमको इसमें किसी भी चीज़ को सदिश राशि को निरूपित करने में ये तीनों जो है आई जे के काफ़ी मदद करते हैं। तो इसको हम लोग भी धीरे धीरे देखेंगे। तो सदिश तीन अक्ष के बारे में पढ़ा, तीन इकाई इकाई सदिश इसमें क्या होंगे, इकाई सदिश में जिसका परिमाण एक होता है तीन आई जे के, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग निरूपित करते हैं। अभी जैसा कि बताया कि गया कि तुमको एक दिशा में निरूपित करना हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक दिशा में जाना है तो I से चल जाएगा काम, अगर X में गए Y में गए तो J किसे काम चल जाएगा J से। तो अगर तुमको एक तल में अगर निरूपित करना तो I और J दोनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक तुमको यहाँ पर मान लेते हैं एक है यहाँ पर बिंदु, इसको सदिश रूप में कैसे निरूपित करेंगे एक तल में जो कि सदिश है, एक तलीय सदिश जो कहेंगे। जैसे यहाँ पर मूल बिंदु हो गया, इधर गया एक्स, इधर गया मान लेते हैं वाई, यहां से यहां तक मिला दिए, ये एक सदिश राशि हो गई दैट इज ओ, यहां पर क्या है ओ, यहां पर हो गया ये पी, तो ओपी सदिश हो गया, ये क्या हो गया ओपी सदिश। और इधर जो है इसका एक्स में गए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो है ये तुमको एल कहो या इसको ओपी कहो तो इसको एल कह दो। यहां से यहां तक दूरी अगर क्या है इसका एक्स है, और इधर दूरी क्या है तुम्हें, इधर की तरफ दूरी है वाई है, इधर वाई हो गया। तो ओपी वेक्टर जो तुम्हारा हो गया, ओपी को देखो वेक्टर के रूप में क्या लिखे, ओपी वेक्टर किसके बराबर होता है, जब तक सदिश के रूप में लिख सकते हो तो इसको ओ एल लिखो, ओ एल वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हो एल पी वेक्टर। लेकिन इसको जब तीर का निशान हटा दोगे अदिश रूप में ये लिखना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ओपी बराबर अगर कोई अदिश ये लिखता है ओपी बराबर ओ एल प्लस एल पी, तो ये अगर तीर नहीं जाती है ये तीर लिखना क्या हो गया ये गलत हो गया तुम्हारा, ये बिना वेक्टर का लिखते। लेकिन अगर सदिश दे के लिखते हैं तो ओ से ओ पी जाना है तो ओ पी वेक्टर, तो ये ओ एल इधर गए प्लस एल पी, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ओ पी वेक्टर को देखो क्या लिखेगा, अब
वो एल का परिमाण कितना है, एक्स है, और दिशा क्या है, एक्स दिशा में है, तो दैट इज आई कैप से इसको परिमाण और इस क्या हो गया दिशा बता दिया। फिर उसी ढंग से क्या गया, ये वाई की तरफ गया तो वाई और दिशा क्या बता दिया, जे बता दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको निरूपित कर सकते हैं। तो ये एक तलीय सदिश को निरूपित करने के लिए तुम्हारा हो गया एक तलीय सदिश, ये तुम्हारा है एक तल में है, एक तल में अगर सदिश है तो तलीय, एक तलीय सदिश हो गया ये, एक तलीय सदिश ये हो गया एक्स वाई। और अगर तीन विमा में रहेगा तो एक्स वाई जेड तीनों दिशा की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन विमा के लिए हो गया एक्स वाई जेड। तो इस तरह से तुम समझ गया होगा कि एक तलीय सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, एक्स वाई के मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर तीन विमा रहेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड तीनों की जरूरत पड़ती है। तो इसकी बात तो चर्चा होती रहेगी और भी आगे सदिश में इसका चर्चा करेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाते हैं इस लेक्चर में कि किसी सदिश को अदिश वास्तविक संख्या से गुणा करें, किसी संख्या सदिश का वास्तविक अदिश से गुणा, सदिश का अदिश से गुणा, कोई अदिश राशि से गुणा करो, जैसे कि तुम्हारा है सदिश ए है, इसको एक अदिश मतलब कोई संख्या k से गुणा कर दिए, तो k1 का परिमाण, k1 का मतलब क्या होगा, k1 का परिमाण, ये एक सदिश राशि हो गया, k1 का परिमाण a के परिमाण का, a सदिश के परिमाण का मॉडुलस k गुना है, मॉडुलस k गुना है, मतलब कि अगर k माइनस है तो मतलब माइनस दो है तो k को प्लस दो ही कहोगे, दुगुना है, मतलब यह हो कि अगर k का मान माइनस टू भी है तो इसको मॉडुलस कर देते, मतलब दो गुना है। एक ही दिशा क्या हो जाएगी, एक ही दिशा जो है k एक ही दिशा, k एक ही दिशा, एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी जब k धनात्मक है, जब k धनात्मक है, अगर धनात्मक है k तो इसकी दिशा और a की दिशा समान होगी, और k a की दिशा, k a की दिशा a के ठीक विपरीत होगी, a के ठीक विपरीत होगी, एक ठीक विपरीत होगी यदि के ऋणात्मक है, यदि ए के ऋणात्मक है, तो के अगर ऋणात्मक हो गया तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। जैसे 2a वेक्टर का, 2a वेक्टर का परिमाण या मॉडुलस 2a वेक्टर का परिमाण a के परिमाण के दुगुना है, a के परिमाण के, a के परिमाण का दुगुना एवं दिशा समान है, एवं दिशा समान है, दिशा समान होगा, लेकिन माइनस टू ए रहता तो क्या हो जाता है इसका दिशा, मतलब a का इतना बड़ा है तो 2a क्या होगा इसका डबल, a वेक्टर हुआ तो 2a वेक्टर इसका डबल लाइन का होगा, दुगुना लाइन खींचिए, लंबाई है 2a लिख दीजिए इसको, और इधर अगर a है और माइनस टू ए कहिएगा तो ठीक इसको क्या कर दीजिए, इसका दिशा को पलट दीजिए, माइनस टू ए हो गया, देखो दो से गुना की, माइनस दो से गुना कर दिए दिशा पलट गया, परिमाण लेकिन डबल है, माइनस टू ए का भी इसका परिमाण दूना ही कहेंगे, परिमाण a का दूना, ये भी दुगुना ही करें, माइनस दुगुना नहीं होता, परिमाण में दुगुना नहीं करता, जो माइनस चला गया वो दिशा में चला गया, दिशा क्या हो गया विपरीत हो गया माइनस से। तो समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या से गुना करने में क्या फर्क पड़ता है, अगर वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे अगर धनात्मक है तो दोनों की दिशा क्या होगी समान होगी, और ऋणात्मक की दिशा क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी, और परिमाण में के का क्या होता है गुना हो जाता है जितना से गुना करते हैं, जैसे माइनस दो भी रहेगा तो दोगुना ही कहेंगे हम, लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। तो आई थिंक इसको मैं तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आज जो है सदिश अदिश का तुमको जो है मैंने बताया, जैसे कि अध्याय चार में एनसीईआरटी बुक में पढ़ना चाहते हो अध्याय चार में देखो, उसमें दिया हुआ सदिश अदिश इस सब का बारे में, और उसमें जो है तुमको, और इसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, इसका पूरा पढ़ा देंगे।
तो सदिश सदिश का अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें सदिश को हम लोग जोड़ने घटाने इन सबों के बारे में सीखेंगे। फिर आगे आने वाले क्लास में सदिश को कैसे जोड़ा जा गुना भाग किया जाता है, गुना किया जाता है उसका, फिर सदिश का वियोजन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इस पर आधारित क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। क्वेश्चन वगैरह भी तुमको बनाने के लिए भी दे दिया जाएगा और क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको जो है राइट्यूटल ऐप पर आकर के वहाँ से भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसको आज पढ़ो और किताब से भी कुछ पढ़ने का कोशिश करो। तो इसी के साथ आज इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो आगे का लेक्चर देखो।